मतलब दोबारा जीना सीख। अरे रुक जा, खड़ी हो जा, पूछो शुरुआत। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ से आई हैं आप? मैं खुर्दी से आई हूँ, देवबंद। अच्छा, क्या होता था आपको, कब से होता था? मुझे 2017 से होता था और फिर शादी के बाद कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद तो मैंने अपने आप को बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या महसूस होता था, महसूस क्या होता? बस मैं मरी गई थी, जीने की कोई लालसा नहीं थी। अच्छा, फिर इसका इलाज कराया आपने? बस जी, नहीं करा मेरा तो इलाज, नहीं कहीं और कराया। हाँ जी, मेरा डॉक्टर ने मेरा इंजेक्शन लगाया दिमाग में 36। अच्छा, वहाँ से मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। ऐसे होता? हाँ जी, जैसे अभी बीच में झटका लगा। हाँ जी, वहाँ भी होता है। डॉक्टर के पास? डॉक्टर भी बोलता है, डॉक्टर कहता है कि ये मैंने कहा मगर जी ओपरे वाले भी नुका है, अब तुझे ओपरे की दिक्कत है। हाँ, तो डॉक्टर कहते हैं अब मैं भी सही कहा। हाँ, अब तुझे दोनों दिक्कत है। बोले तो फिर ठीक कौन करेगा? तुमने कहा मैं भी सही कहा है और तुम्हें वहाँ भी जाना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आता, मुझे डॉक्टर इलाज की जरूरत है या आपके जो इलाज की जरूरत है? डॉक्टर इलाज का नाम कहाँ से लगा? यहाँ से लगा जो भी मेरा। क्या आराम लगा? मेरा शरीर खड़ा हो गया जी। अब देखो उनसे बात करो। शरीर बिल्कुल, मान लीजिए मैं काम नहीं कर पाती थी, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती थी, बिल्कुल मैं ऐसी हो गई जैसे मर गई। मैं रो थी कि भगवान किसी तरह मुझे उठा ले, बस इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। भगवान ने उठाया नहीं ना? बस आपने जिगा दिया भैया, इसका मतलब भगवान के पास तेरी जरूरत नहीं है ना? नहीं, फिर निठल्ले आदमियों की किसको जरूरत है? निठल्ली हो गई मैं। और खाने का तो काम करूँ घर में। अरे जब तो तू कह रही है मैं 3 साल से खाली पड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी। आपकी कृपा हुई मेरे पे, आपने उठाया मुझे। तो अब घर में आप क्या क्या काम कर पाते हैं, क्या घर के सारे काम आप कर लेते हैं? हाँ, एक जार, मतलब माइंड भी इतना हाई फाई तेज हो गया बहुत ज्यादा। वही वाह। तो अब दवाई नहीं ले रहे आप कोई भी? दवाई नहीं ले रही मैं कोई भी। डॉक्टरों के लिए क्या संदेश दोगे? डॉक्टर को ऐसा मैं यही कहूंगी, मैं भी एक बार सलाह दे कि भाई ज्यादा अपना किसी को पहले अच्छी सलाह दो। हाँ। भाई दवाई से अगर तुम्हारा उपाय नहीं हो रहा तो एक बार भगवान के धाम पे भी चले जाओ। भगवान के धाम से ऐसी सलाह ऐसी सलाह तो देते। अब तो इसका दिमाग हाई फाई हो रहा है, तेज हो रहा है, डॉक्टर को इसकी सलाह माननी चाहिए। क्या नाम? बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सपना है। डॉक्टर साहब को भी ये देखना चाहिए ये इसको क्या होता है और क्या उनके पास इसका इलाज है क्या। लेकिन इसको रोग अभी भी है जो ये करके दिखा रही है, जो इसके साथ हो रहा है, इस रोग का अभी भी लक्षण बाकी है। इसका मतलब इसको आराम तो पड़ गए हैं लेकिन चीजें अभी है। अच्छा, ये भी सब चला जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आराम पड़ गया तो जैसे मान लिया ये 80% ठीक हो गया, 40% में भी ये चीज जाएगी, दवाइयां तो छूट गई। छेड़छाड़ हो रही ना, तो इन चीजों से मुझे बहुत गुस्सा हुआ। किसके नियम के साथ में? शास्त्रों के नियम से, नियम पे नहीं चल रहे। हाँ लोग, इसलिए मुझे गुस्सा हुआ बहुत ज्यादा, तो वो चीज मैं हूँ। अब आप चाहते हैं कि सनातन धर्म स्थापित हो पूरी तरह से और विश्व गुरु बने भारत? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टरों को कहो, स्पेशल डॉक्टरों को। अंदर वाला भी चाहता है। मैं ये चाह रही बस गंदा पूजन बंद हो जाए बिल्कुल, बच्चे कटाना क्योंकि वे भी मेरे बच्चे हैं। सही बात। जब मैं रोवे तो मुझे बहुत दुख होवे, यानी कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं कट जा, तुम ना कटो। ये बस मैं नहीं किसी के बच्चे हैं, वे भी सबके बच्चे। मैं जब खाती नहीं तो मेरा नाम बदनाम क्यों करा? खा बकरा खावा तू? अच्छा तू माता है? तो माता अब ये बताओ, बता रहे तुम पुष्टि करो तो तुम्हें बताओ, मैं क्यों बताऊं कि तुम हो तो बताओ। मेरे लिए तो कोई माता नहीं है। अच्छा तो कौन हूँ मैं? सपना हूँ। सपना ही है? हाँ, तो सपना ही होना चाहिए। मैं सपना ही पढ़ना चाहूँ, बस मैं देवी पढ़ना नहीं चाहती। तो अब सपना, सपना जी सपने में 80% ठीक हो गया था। तो अब सपना जी सपने में धर्म गुरु परम पूज्य मनु भैया जी के लिए क्या कहेंगे? मुझे जैसे तू खड़ी नहीं हो पाती थी तो पैरों में दर्द रहता था ना जी, मेरे तो इस रोग है जिस तरह मुड़ता हो जाए इंसान, दर्द भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहा था मुझे ना, दिमाग चला सुन हो गई, ये सुन हो जाता। अब दिमाग कैसा हो गया? हाई फाई, हाई फाई। हां, अब मैं पूजा भी मत, मुझे पता है मुझे हट के करनी तो लोग मरने रहे ना, पूजा करते थी। तेरा आदमी आया है तेरे साथ? हां जी आए। कहां है? सब आए, पापा भी आए, लेके मिले आई। मगर तुम ऐसा करो, मगर मैं बहुत बड़ा धाम है, ऐसे ही नहीं हुआ, संकट कट रहे। मगर शनिधाम वाला जी, मगर मेरे गुरु जी ऐसे तो पड़े मांगो, हाँ जी मेरे गुरु जी बैठे श्री शंकर भगवान। बस ठीक है, जय शनि। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपका साथ जा, कोई भी धाम आपका ना हो, ये धाम होना चाहिए बस। आपका बस बस
यही धाम होना चाहिए। इतने इंसान को अपने कर्म का पता नहीं चलने का ना कि मैं क्या कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रही। वो अपना कर्म से अपना कर्म खराब कर रहे जी। मैं नियम पे नहीं चल रहे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैंने कहा माता तुमने दुख दे रखी है। माँ ये देती मतलब तुम देखो तो थारी गलती क्या है। मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया कोई चीज माता बन के बोल रही है तो जो लोग पूजन करते हैं ना वे मात्र का पूजन करते हैं। जैसे हनुमान जी का भी काली का पूजन करते हैं तो ये माता की कला होती है। क्या बोलते हैं इसको कला। जब भी शरीर में प्रवेश करती है तो वो कला करती है। वो नेगेटिव रूप में भी पॉजिटिव रूप में भी कला प्रवेश करती है तब वो कला ही अंतर से बोलती है। ये बात किसी को पता नहीं है लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ तंत्र ग्रंथों में और बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ दिखा सकता हूँ। बस हम अपनी चीज़ों को पढ़ते नहीं है इसलिए हम पीछे चले गए और लोग अपनी चीज़ों को जो लिखा हुआ उनके ऋषियों महर्षियों ने वो उनको पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ने के पास तो किसी के पास टाइम नहीं होगा तो कम से कम शॉर्टकट देख लो। फोन चल गए अब तो। हाँ टच फोन चल गए शॉर्टकट देख लो। नहीं किसी को पूरा देखना। तेरा कहाँ टच। मेरा टच मेरे पति के पास है। आप हमारे घर आना कभी आना। मैं आपको याद करूँगी।